नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। आज पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। होम डिलीवरी पर्सन को लगेगी वैक्सीन, केजरीवाल का ये बयान आया है सामने। वहीं तेल की कीमतों पर कांग्रेस का आज देश भर में प्रदर्शन। वाराणसी में गंगा में आज से शुरू हो रहा है नौका संचालन। भारत में कोविड की दूसरी लहर में 2 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह ने मुख्यमंत्री को सभी को साथ लेकर चलने का सुझाव दिया है। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इन मुलाकातों में योगी मुख्यतः कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप और उससे निपटने की राज्य सरकार की कोशिशों पर बात करेंगे और साथ ही राज्य में छोटा मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। अटकलें ये भी तेज हो गई हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चुनाव में उतरने से पहले केंद्र में भी बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार हो सकता है। योगी के 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचने के साथ ही राजनीति गर्म हो गई है। योगी के नजदीकियों का ये कहना है कि यह दौरा पूरी तरह औपचारिक है, जिसमें मुख्यतः कोरोना की दूसरी लहर में हुए प्रयास और तीसरी लहर की तैयारियों पर जानकारी दी जानी है। लेकिन शाह के साथ लगभग 1.5 घंटे चली बैठक ने साफ संकेत दिए हैं कि चर्चा राजनीति और चुनाव पर ज्यादा केंद्रित रही है। वहीं देश में आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95.85 रुपए प्रति लीटर और 1 लीटर डीजल की कीमत करीब 46.75 रुपए हो गई है। इससे देश के अलग अलग हिस्सों में अब पेट्रोल ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख समेत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। वहीं मुंबई में इस समय पेट्रोल 101.04 रुपए और डीजल 94.15 रुपए प्रति लीटर है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ आज पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर सांकेतिक प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी के महासचिव ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दे जैसे अभूतपूर्व आर्थिक सुस्ती, रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी, महंगाई और बेरोजगारी आदि मुद्दे को वो उठाएगी। पार्टी का ये कहना है कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण ही देशवासी 15 महीनों से कोरोना से जूझ रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी और टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए डीएम लखनऊ ने नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। मीटिंग में डीएम ने कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का को ध्यान में रखते हुए सभी विकास कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा है कि संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में हमने एकजुटता का से सामना किया है और अब आगे भी तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा और खुद अपने परिवार, परिचितों और अपने गांव को संक्रमण से बचाना है। साथ ही हर गांव में सैनिटाइजेशन कराया जाए। वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण बेहद ही जरूरी है, इसलिए हर शख्स को टीकाकरण के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शाहजहांपुर में मौसम की पहली बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल दी है। शाहजहांपुर में अंटा चौराहा जेल रोड पर नाली का पानी घरों में भर रहा है, क्योंकि यहाँ पानी निकलने के लिए नाले तो हैं, लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई है, जिसके चलते सड़कों पर जलभराव हो गया है। हर साल की तरह इस साल भी मानसून में लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है नालों की सफाई ना होना। शहर की आबादी तो बढ़ गई, लेकिन सिस्टम वही पुराना है, जिसके कारण बारिश के दिनों में कई मोहल्ले जलमग्न हो जाते हैं।
नाला सफाई के नाम पर लाखों का बजट खर्च होता है, लेकिन सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति ही होती है। तो शाहजहांपुर से खबर बता रहे, जहां पर बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। जी हां, शाहजहांपुर में अंटा चौराहा जेल रोड पर नाली का पानी अब घरों में भर रहा है, क्योंकि यहां पानी निकलने के लिए नाले तो हैं, लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई है और इसी के चलते सड़कों पर जलभराव हो गया और इससे लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको एक बार बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी मानसून में लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसका मुख्य कारण ये है कि नालों की सफाई नहीं हो रही है। शहर की आबादी तो बढ़ गई, लेकिन सिस्टम वही पुराना है, जिसके कारण बारिश के दिनों में कई मोहल्ले जलमग्न हो जाते हैं। नाला सफाई के नाम पर लाखों का बजट खर्च होता है, लेकिन सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आरेंद्र। तो आरेंद्र दी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है कि किस तरह से जो जलभराव की समस्या हो रही है, इससे लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बताऊंगा कि मौसम की जो पहले बारिश ने जिस तरीके से नगर निगम की पोल खोली है, जिसकी सामने तस्वीरें आपके बिल्कुल दिख रही है, शाहजहांपुर में जो दावे किए जाते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के और जो जिस तरीके से, तो उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो जेल रोड है और अंटा चौराहा पर किस तरीके से जल भरा हुआ है, ये नहीं पता चलता है कि इसमें सड़क कहाँ पर है और नाला कहाँ पर है। तो जिससे लोगों को आने जाने में जो बाइक सवार है, कई बार ऐसा होता है कि नालों में अंदर चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि हम जा कहाँ रहे हैं। ऐसे कई हादसे भी और चोटिल भी लोग हो चुके हैं। जल भराव की समस्याओं से जूझना होगा और हर साल की तरह इस साल भी ऐसी मानसून अगर रही तो जल भराव जैसी समस्याएं पूरा शहर झेलेगा। ग्रामीणों के क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ भी इस तरीके से बदहाली है, ना सफाई होती है, ना शहर की आबादी तो बढ़ गई लेकिन सिस्टम भाई पुराना चल रहा है। अगर नाला सफाई के नाम पर लाखों का बजट भी आता है लेकिन इस पहले जी, तो क्या लगता है जिस तरह से जो बजट आता है खर्च के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल शायद नहीं होता देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून शुरू भी नहीं हो पाया और इससे पहले इस तरह की जो बारिश है उससे जो सड़कें जलमग्न हो गई है, जाहिर सी बात है इससे बड़े हादसे भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये बजट आता है तो बजट पास कर देते हैं यहाँ के जो अधिकारी नगर आयुक्त हैं, पास तो कर देंगे, टीवी चैनलों पर भी दिखाया जाता है, लेकिन अगर धरातल पर हकीकत अगर जाननी अगर चाहो तो देखी जाए तो बिल्कुल जो है तार तार हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन की बात की, काफी अभियान चलाकर करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रेंद्र जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से शाहजहांपुर के अंटा चौराहा जेल रोड पर नाली का पानी घरों में भर पहुंच रहा है और आपको बता दें कि यहां पानी निकलने के लिए नाले तो हैं लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई है और इसी के चलते सड़कों पर जल भराव हो गया है। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी मानसून में लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसका मुख्य कारण है नालों की सफाई ना होना। शहर की आबादी तो बढ़ गई है लेकिन सिस्टम वही पुराना है, जिसके चलते लोगों को इससे काफी परेशानियां हो रही हैं। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर, शाहजहांपुर में सूदखोरों के दबाव के कारण व्यापारी अशोक गुप्ता के बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के निधन की जानकारी होने पर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने उनके घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की है। कैबिनेट मंत्री ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि घटना के आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री नंदी ने परिजनों की बातें सुनी और डीएम और एसएसपी को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भयमुक्त व्यापार और व्यापारी हितों का संरक्षण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, इसकी अवहेलना करने वाले असामाजिक तत्व किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, संभल में महिला की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामला असमोली थाना इलाके के मदाला फतेहपुर गांव का है, जहां महिला का शव गांव के पास ही एक खेत में पड़ा मिला। महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर एसपी चक्रेश मिश्र घटना स्थल पर पहुंचे और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना असमौली के अंतर्गत ये गांव फतेहपुर मदाला है। यहां पर एक आज शाम को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव
मक्के के खेत में है, जहां पर उसकी गला रेत कर हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर सारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है, पंचनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है तथा परिजनों से बातचीत करके FIR पंजीकृत की जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था ठीक है और इसके साथ में हम लोग इसको जल्द ही वर्कआउट करेंगे, इसके लिए चार। वहीं रामपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चमन नर्सिंग होम का है। बताया जा रहा है कि बच्ची को जन्म देने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और पुलिस से जांच की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। थाना साहबाज क्षेत्र के रहने वाले सत्येंद्र, उनके द्वारा कल अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। सत्येंद्र जी की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उनकी हालत वहाँ पर बिगड़ गई नर्सिंग होम में। ये उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सत्येंद्र और उसके परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग होम में जहाँ पर डिलीवरी हुई थी उन लोगों ने ठीक से इलाज नहीं किया, इसीलिए उनकी पत्नी। फिलहाल की बुलेटिन में इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम TV।